दोस्तों एक बार फिर इतिहास रचते हुए मुंबई इंडियंस पहुंची प्लेऑफ में। आरसीबी के हार से हुआ मुंबई को फायदा, प्लेऑफ में जाने का रास्ता हुआ साफ। विराट कोहली ने सुनी रोहित शर्मा की अपील, चुकाया एहसान, पहुंचाया मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ में। तो कैसे पहुंची मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में, बताएंगे पूरा समीकरण आपको। तो अगर आप भी मुंबई इंडियंस के फैंस हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आपको बता दें, आईपीएल के लीग मुकाबले के आखिरी दिन यानी कि रविवार को खेले गए दो मुकाबले के बाद अब जाकर कहीं प्लेऑफ का चारों नाम क्लियर हो सका है। आपको बता दें कि रविवार को खेले गए पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद के ऊपर एक धमाकेदार जीत दर्ज की, जिसके बाद वो 16 अंकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच चुकी है। वहीं अगर मुंबई को पीछे कर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर को प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना था तो ऐसे में रविवार को खेले जा रहे बैंगलोर को प्लेऑफ के लिए दूसरे मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर को हर हाल में मुंबई को पीछे करने के लिए गुजरात को हराना था, लेकिन ऐसा करने में पूरी तरह से आरसीबी विफल रही। पहले बल्लेबाजों में खराब बल्लेबाजी का प्रदर्शन, फिर गेंदबाजी औसत से कम होने के कारण इस मुकाबले को बचाने में एक बार फिर से आरसीबी नाकाम रही, जिससे कि अब मुंबई इंडियंस का प्लेऑफ में जाने का रास्ता साफ हो गया। आपको बता दें कि इस मैच के शुरू होने से पहले ये कयास लगाने शुरू हो गए हैं कि आज मुंबई इंडियंस प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। शायद इसमें आज भगवान का भी मुंबई इंडियंस को पूरा समर्थन था। पहले तो ऐसा लग रहा था कि आज ये मुकाबला बारिश की वजह से धुल जाएगा और इस मुकाबले में बारिश की वजह से धुलने की परिस्थिति में भी बैंगलोर प्लेऑफ में जाने से वंचित रह जाती और मुंबई इंडियंस आराम से प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाती, लेकिन भगवान ने आरसीबी के खिलाड़ियों की सुनी और बारिश रुकने के बाद जब मुकाबला शुरू हुआ तो इस मैच में रेफरी ने भी कहा कि अब इस मुकाबले को पूरा 40 ओवर का खेला जाएगा। ऐसे में लगने लगा था कि इस मुकाबले को हर हाल में जीतने को देखेगा बैंगलोर की टीम और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन इसके विपरीत आज एक बार फिर से बैंगलोर के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों ने बैंगलोर को धोखा दिया और विराट कोहली को किसी भी खिलाड़ी का सहयोग नहीं मिल सका, जिसका परिणाम ये रहा कि जिस मुकाबले में पहले 6 ओवर को देखकर ऐसा लग रहा था कि बैंगलोर आज फिर रिकॉर्ड बनाएगी और 225 से ज्यादा का टोटल खड़ा करने में कामयाबी दर्ज करेगी, वो बैंगलोर 200 तक पहुंचने में नाकामयाब रही और मात्र 197 रन पर जाकर उनकी पारी सिमट गई, जिसके जवाब में गुजरात के बल्लेबाजों ने आज एक बार फिर से साबित किया कि गुजरात आईपीएल की ट्रॉफी जीतने में सबसे बड़ी दावेदार क्यों मानी जा रही है। आज के मुकाबले में गुजरात में कहीं भी बैंगलोर को इजी वॉक थ्रू नहीं दिया। आपको बता दें, पहले गेंदबाजी में गुजरात के गेंदबाजों ने बैंगलोर के बल्लेबाजों की कमर तोड़ी, फिर बल्लेबाजी करने आए गुजरात के बल्लेबाजों ने बची कुची कसर पूरी करते हुए बैंगलोर के गेंदबाजों को जमकर कोटा। आपको बता दें इस परिणाम इसका ये रहा कि एक बार फिर गुजरात किसी मुकाबले में बड़े आसानी से जीतने में कामयाब हो सकी और इस हार के साथ फिर से बैंगलोर को आईपीएल का ट्रॉफी जीतने का सपना ही रह गया। दोस्तों आपको बता दें कि विराट कोहली के इतने संघर्ष के बाद रॉयल चैलेंजर बैंगलोर प्लेऑफ में पहुंचने में नाकामयाब रही। इसका नतीजा यह हुआ कि मुंबई इंडियंस एक बार फिर से इतिहास रचने की कगार पर आकर खड़ी हो गई। आपको बता दें कि बैंगलोर के इस हार से जहां मुंबई इंडियंस के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है, वहीं अब यह देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या बैंगलोर के हार की वजह से मिले मौके को भुनाते हुए मुंबई प्लेऑफ की रेस से आगे बढ़कर ट्रॉफी जीतने में कामयाब हो पाती है या नहीं। तो दोस्तों आपको इस पर क्या कहना है, क्या मुंबई इंडियंस ट्रॉफी जीतने में कामयाब हो पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।